पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को चुनाव करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आयोग 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करे। अदालत का कहना है कि ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अदालत ने अभी केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने को कहा है। अदालत के इस आदेश पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला जया ठाकुर और सैयद जाफर की याचिका पर सुनाया। जाफर के मुताबिक अदालत ने आदेश दिया है कि राज्य निर्वाचन आयोग 15 दिन के अंदर पंचायत और नगर पालिका के चुनाव की अधिसूचना जारी करे। ओबीसी आरक्षण के मामले में प्रदेश की बीजेपी सरकार की रिपोर्ट को कोर्ट ने अधूरा माना है। सरकार की रिपोर्ट अधूरी होने के कारण प्रदेश में ओबीसी वर्ग को चुनाव में आरक्षण नहीं मिलेगा, इसलिए अब स्थानीय चुनाव 36% आरक्षण के साथ ही होंगे। इसमें 20% आरक्षण एसटी और 16% एससी को आरक्षण मिलेगा। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाले पीठ ने फैसला सुनाया है कि अदालत ने कहा है कि संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही सभी निकायों के सदस्यों का चुनाव हो जाना चाहिए। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि जो राजनीतिक दल ओबीसी आरक्षण की पैरवी कर रहे हैं उन्हें सामान्य सीटों पर ओबीसी के लोगों को टिकट देने पर विचार करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।